क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे क्या बोला है, कॉइल हैज रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टेंस। एक ही कॉइल है, उसमें रेजिस्टेंस भी रहता है, उसमें इंडक्टेंस भी रहता है। तो मैंने क्या किया है, कॉइल दो जगह पे ड्रॉ किया है, आर और एल कंपोनेंट्स में। एक्चुअली एक ही कॉइल है, लेकिन वो रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस भी बिहेव कर रही है और एज अ इंडक्टर भी बिहेव कर रही है। तो आर और एल कंपोनेंट्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ड्रॉ किया है। अब फर्स्ट क्या क्या है, डीसी सोर्स है और 12 वोल्ट का डीसी सोर्स है, तो इंडक्टर कुछ काम नहीं करेगा, ओनली रेजिस्टेंस अपोज करता है। तो करंट का फॉर्मूला आता है वी अपॉन आर, तो ये यूज करके रेजिस्टेंस आता है 3। अभी इधर इंडक्टर कुछ काम नहीं कर रहा। अभी नेक्स्ट केस में क्या क्या है, नेक्स्ट केस में इंडक्टर वो वही सेम कॉइल को अभी एसी बैटरी अटैच किया है। एसी बैटरी अटैच करने के बाद वो इंडक्टर भी काम करना चालू करता है। अभी रेजिस्टेंस तो उसका कितना है वो पता चला है 3। अभी वो इंडक्टेंस कितना है उस कॉइल का वो पता नहीं चला है। तो अभी फॉर्मूला क्या होता है करंट का, वी अपॉन जेड। तो आई है 2.4, वी कितना है 12 है। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो सब वैल्यू आरएमएस है ऐसा एज्यूम करने का। तो जेड कितना रहता है, रूट ऑफ आर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स ही तो है ही नहीं, तो एक्सएल स्क्वायर आता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्सएल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लेकिन एक्सएल कितना रहता है, ओमेगा एल रहता है। तो फ्रीक्वेंसी दिया है, ओमेगा नहीं दिया, तो 2 पाई एन इंटू एल। तो ये फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद एल का वैल्यू आता है 0.012 हेनरी। ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये बोनस मिलना चाहिए। अगर ऐसा तुमको सॉल्यूशन आ रहा है तो बोनस ले लो, ऐसा सॉल्यूशन तुम्हें नहीं आया तो बोनस मत लो। देन क्वेश्चन नंबर 30 में क्या क्या है, देखो रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है। तो रेजिस्टेंस 500 ओम का है, कैपेसिटेंस कितने का है पता नहीं। दोनों ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया है, 120 वोल्ट और 160 वोल्ट आरएमएस। और नीचे बैटरी लगाया लगाया है वी का, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्स। अभी वो वी में फर्स्ट निकाल रहा हूँ, तो कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो वी अप्लाइड इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या फॉर्मूला है, वी अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। अगर सब वी आर वी एल वी सी सब आर एम एस वैल्यू है तो ओवरऑल पोटेंशियल भी आर एम एस से आ जाएगा। अभी दिया हुआ आर एम एस है तो ओवरऑल भी आर एम एस से आ जाएगा। तो 120 और 160 पुट करने के बाद वी आर एम एस आता है 200, मतलब अप्लाइड पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट 200। ठीक है, उसके बाद अभी पावर के लिए फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट है, 3 फॉर्मूला। उसमें से मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये फॉर्मूला आई स्क्वेयर इंटू जेड इंटू कॉस ऑफ फाइव। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस ऑफ फाइव कितना रहता है, आर बाय जेड। टू जेड जेड कैंसिल हो गया, इसमें वैल्यूज अभी मैं पुट कर रहा हूँ। आर कितना है 500 और आई आर एम एस कितना है, अभी वो मैं इधर राइट हैंड साइड को निकाला यहाँ पे। अभी आई आर एम एस ये तो सीरीज वाला सर्किट है, तो सीरीज वाले सर्किट में एंटायर सर्किट के लिए करंट, रेजिस्टेंस के लिए करंट और कैपेसिटर के लिए करंट तो सेम रहेगा, सीरीज में सबके लिए करंट सेम रहता है। तो अभी रेजिस्टेंस के लिए करंट का मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस का करंट तो क्या फॉर्मूला रहेगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो रेजिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल खाया, 120 वी अपॉन उसका है रेजिस्टेंस आर 500। रेजिस्टेंस का है पोटेंशियल, रेजिस्टेंस का है रेजिस्टेंस, तो ये करने के बाद 6/25। तो करंट कितना है 6/25, तो करंट पुट किया 6/25 उसका स्क्वायर इंटू 500 किया तो ये 28.8 आता है। देन क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो मैंने सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट्स है। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स किस में मेजर होता है, किलोमीटर्स में। देन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस किस में मेजर होता है, एटम्स के बीच वाला डिस्टेंस होता है, एंगस्ट्रॉम में मेजर होता है। न्यूक्लियस का साइज किस में रहता है, 10^-15 फर्मी में रहता है। इंफ्रारेड लेजर का कितना रहता है, उसका वेवलेंथ रहता है माइक्रोन्स में रहता है, 1 माइक्रोमीटर के आसपास रहता है। अभी ऑल ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑप्शन सी मोस्ट करेक्ट है। उसमें क्या क्या है, इंफ्रारेड लेजर के लिए लाइट ईयर लिख किया है उसमें, इंफ्रारेड लेजर के लिए लाइट ईयर किया है वो नहीं है, वो गलत है, माइक्रोन आना चाहिए। तो ऑल ऑप्शंस रॉन्ग है, लेकिन मोस्ट करेक्ट कौन सा है, सी है।
देन अभी वहाँ पे लाइट ईयर भी दिया है. लाइट ईयर्स ये डिस्टेंस किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है. ये कब यूज़ होता है, ये यूज़ होता है डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज जब मेजर होता है तब ये यूज़ होता है. वेरी लार्ज डिस्टेंस 42. अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा. देखो 42 में क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर दिया है 10 प्लस माइनस 0.1, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर भी दिया है. ठीक है, अभी रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला रहता है रो ऑफ मटेरियल अपॉन रो ऑफ वाटर. उसका फॉर्मूला क्या रहता है, रो ऑफ मटेरियल अपॉन रो ऑफ वाटर. तो ऊपर और नीचे अभी ये तुमको समझता है तो समझो, नहीं समझता है तो डायरेक्ट याद रखो. क्या रहता है, रो ऑफ मटेरियल अपॉन रो ऑफ वाटर, ये भी फॉर्मूला रहता है. उसको ही मैंने कन्वर्ट किया है, ऊपर नीचे सेम थिंग से मल्टीप्लाई किया है और वो इसको कन्वर्ट करके नीचे ऐसा आता है. ये बीच वाला अंडरस्टैंड होता है तो तुमको ठीक है, नहीं अंडरस्टैंड होता है तो डायरेक्ट याद रखो. क्या, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर. ये भी क्या रहता है, रिलेटिव डेंसिटी रहता है. ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला है. अभी तुम लोग डायरेक्ट याद रखो, दो फॉर्मूला कौन सा रिलेटिव डेंसिटी का, रो ऑफ मटेरियल अपॉन रो ऑफ वाटर ये एक, और दूसरा कौन सा, वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. अभी तो ऊपर वाला तो दिया है डायरेक्ट, वेट इन एयर तो दिया है, सब दिया है. अभी वो नीचे वाला जो भी है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. तो वो कितना है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 10 - 5 कितना आया, 5 आया. कितना है 10 - 5, 5 आया. और एरर कितना आया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर का क्या होता है, एब्सोल्यूट एडिशन. तो इसमें 0.1 उसमें 0.1, तो एरर कितना होगा, 0.2. तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना आता है, 5 + - 0.2. ये वेरी इंपॉर्टेंट है डिनोमिनेटर लाना. अभी इसको मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, तो इसको कैसे लिखने का, सिग्मा यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे देखो क्या है ये फॉर्मूला. सिग्मा मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट इन एयर ऊपर है अपॉन डिवीजन में क्या है, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर्स का एडिशन होता है. तो डी सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू डी न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डी डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो डी सिग्मा अपॉन सिग्मा कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है. डी डब्ल्यू एयर मतलब जो वेट एयर में मेजर हुआ उसमें एरर कितना हुआ, वो 0.1 यहाँ पे दिया है. जो वेट एयर में मेजर हुआ वो तो 10 है, प्लस डी डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू वो किधर नीचे कैलकुलेट किया था, वो किधर यहाँ पे नीचे इधर कैलकुलेट किया था, वो कितना आता है, उनमें से उसमें एरर आता है 0.2 अपॉन वो कितना है, 5 है. तो ये कैलकुलेट करने के बाद 0.05 आता है, लेकिन परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो 100 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 5% आता है.